कोई फायदा नहीं होगा, नोटबंदी से फायदा हुआ खोती हुआ लेकिन फायदा नहीं हुआ भाई। आप हम तो उनके साथ में लिंचिंग की जा रही है, सही बात है, हम तो बताया था ये अशुभ शक्ति है। अशुभ शक्ति कौन सा बात है। नरेंद्र मोदी जी का जो काम है ये काम भारत का साथ में है, जनगण का साथ में है, आम आदमी का साथ में है, लेकिन विरुद्धों में जो पार्टी है वो पार्टी का काम कोई सही नहीं है। हार विरुद्ध का पार्टी, विरुद्ध में जो पार्टी है वो विरुद्ध पार्टी का काम। सर केंद्र से लेकर राज्य तक आपकी सरकार है, तो आप अपनी कमियों को बताइए ना, आप अपनी जो अच्छे काम किए उसको बताइए, आप विपक्षियों को मत गिनवाइए। देखिए सत्ता में आप हैं। देखिए नरेंद्र मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुआ है, ये श्रमिक लोगों का साथों में जितना हर देश में असंगठित श्रमिक है, हर श्रमिक लोगों को पेंशन चालू कर दिया, एक योजना सैनिक आपके सामने बैठे हैं, एक एक सुनिए। और मुद्रा योजना है, मालूम है मुद्रा योजना, वो भी चालू कर दिया, जनधन प्रकल्प वो भी चालू कर दिया, और आवास योजना, उज्ज्वला योजना, ये हर योजना जनगण का साथ में है। आप देखिए बोलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी भारत भारत स्वाधीनता का बाद में जितना पॉलिटिकल पार्टी ये भारत में शासन व्यवस्था कर रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जनगण का साथ में किया काम किया, कोई काम नहीं किया है, लेकिन वो पॉलिटिकल का पार्टी जो लीडर है वो लीडर अपना साथ में काम किया है, भारत का साथ में काम नहीं किया है। नोटबंदी से कितने लोगों को फायदा हुआ? क्षति हुआ लेकिन फायदा नहीं हुआ। जो आदमी का जो जितना आदमी भारत का शासन व्यवस्था करना के लिए जो जो कलेक्शन किया, हर मनी और गर्भवत हो गया। मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे? वो प्रधानमंत्री के काम है, मेरा उनको जानकारी नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में यह धरना दे रहे हैं, बताएंगे थोड़ा सा, मणिपुर में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप ही की सरकार में महिलाओं को नंगा करके, बताया था भाई, आप हम तो उनके साथ में लिंचिंग की जा रही है, सही बात है, हम तो बताया था ये अशुभ शक्ति है। अशुभ शक्ति कौन सा पाच है ये विरुद्ध में, बीजेपी का सुनिए, बीजेपी में मुख्यमंत्री आपका दिल्ली में सरकार, समझ गया मैं तो बताया था ना, बीजेपी के विरुद्ध में, भारत का विरुद्ध में जितना पॉलिटिकल पार्टी है वो पॉलिटिकल पार्टी का पास अशुभ शक्ति है, वो असुविधा सरकार आप चला रहे हैं। अरे भाई सुनिए, नहीं बिल्कुल ठीक, वो तो मोदी करेगा, वो जो व्यवस्था लेना होगा वो तो, ऐसा तो नहीं है आप ही के लोग, आप ही के सारे पर इस प्रकार का काम, बात सही है, जो काम करना होगा वहाँ पे मोदी जी करेंगे। आपने जो पॉइंट अभी उठाया कि हमारी सरकार, आप जो कह रहे हैं हमारी सरकार हमें अपने अपने आप को बदनाम कर रही है, बहुत सर्व गलत है। 70 दिन तक मणिपुर चलता रहा, प्रधानमंत्री जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और विरोधी पार्टी उसको काम को कार्य को करने नहीं दे रहे हैं, इधर तो अभी संभव है। आप अपने गली पड़ोस में जाइए, आप कोई अच्छा काम करता है 10 आदमी आपके पीछे है जो उसको काम को नहीं करने देते हैं। अरे साहब 56 इंच का सीना मोदी जी का, पूर्ण बहुमत की सरकार है आपकी, भला कौन आदमी है जो आपको काम नहीं करने देगा अगर आपकी नीयत काम करनी है। सर जी कुछ ऐसे विरोधी शक्तियां हैं जो इस कार्य को करने दे देती है, नाम हम नहीं बता सकते, अब या तो आप आरोप मत लगाओ, आरोप लगाओ नाम बताओ। विरोधी शक्ति है, विरोधी जो बहुत से ऐसे जो टांडव करती है, बहुत से ऐसे विरोधी शक्ति जो टांडव करते हैं, देश को आगे बढ़ने नहीं देते और आदमी को काम करने नहीं देती है। मोदी जी के 9 साल के राज में कितना देश आगे बढ़ा है वो आप खुद देखिए, कितनी टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ी है। मैं सवाल कर रहा हूं, बताइए कितना देश आगे, हमारी देश की टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ रही है, बताओ कितनी आगे बढ़ी है पूरा देखिए, बताइए ना थोड़ा सा, बताइए हमारे, बताइए थोड़ा सा। अब यूपी में देखिए, पूरे देश में देखिए, यूपी में बताइए कहाँ कहाँ परिवर्तन किया जा रहा है, क्या परिवर्तन, हर एक चीज परिवर्तन है, बताइए ना, न्यूज में देखिए, अखबार देखिए, तीन अच्छे काम हमारे देश में, राम मंदिर नहीं था, राम मंदिर बनाया गया है ना, राम मंदिर छोड़िए, जितना डबल पहले हमारे हिंदुस्तान में, उससे बौद्ध को, जैन को, पारसी को, मुसलमान को कोई मतलब नहीं है, वो आपकी आस्था का विषय हो सकता है, 3 अच्छे काम बताइए, रोजगार कितना मिला है बताइए, रोजगार कितना मिला है।